अस्सलाम वालेकुम। के ट्रेड मॉर्निंग आउटलुक के साथ मैं हूं अशाम। कल की मार्केट को देखें तो मार्केट ने अगेन एक रेंज बाउंड एक्टिविटी शो की। कुछ सेलिंग चल रही थी, कुछ बाइंग चल रही थी। मेनली जो बायर साइड पर रहे वो फॉरेन बायर्स ही रहे। तकरीबन $4 मिलियन तक की उन्होंने बाइंग की, जबकि जो लोकल्स हैं उनकी तरफ से सेलिंग मेनली एक रुझान रहा। न्यूज़ साइड पर देखें तो ट्रेजरी बिल्ड यील्ड्स डिक्लाइन हुई हैं, जो यही एक चीज़ की इंडिकेशन देती है कि अपकमिंग जो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट है उसके अंदर इंटरेस्ट रेट के अंदर ड्रॉप देखा जा सकता है। और उसकी वजह से जो बाकी सेक्टर्स इससे फ़ायदा करेंगे, जिसमें सीमेंट, स्टील्स एंड ऑटोज़ हैं, उसके अंदर भी हम एक अच्छे वॉल्यूम्स देख लें। सेकेंडली, आवाम के लिए गुड न्यूज़ ये रही कि पेट्रोल एंड डीजल की प्राइसेस में एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखने को मिली। पेट्रोल की प्राइस तकरीबन 15.5 रुपये से डिक्रीज़ हुई है और डीजल तकरीबन 7.90 रुपये से डिक्रीज़ हुआ है। ये एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन है और इससे यही एक आगे क्वेश्चन बनता है कि जो पेट्रोलियम लेवी है या जो डीजल लेवी है वो उसको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा और इसकी वजह से आने वाले वक्तों में टैक्सेस में शॉर्टफॉल आएगा या नहीं आएगा। तो नेक्स्ट 15 दिन बाद हमें ये देखना है कि गवर्नमेंट का इससे रिलेटेड क्या प्लान रहेगा। इसके अलावा गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स इंक्रीज करने की न्यूज़ आई है, और जिसमें ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है तकरीबन एंटिसिपेटेड 7 रुपये से इंक्रीज़ की जा सकती है। लास्टली, गवर्नमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स ने एक मुआहदा कर लिया है जिसपे उन्होंने ये सेटल किया है कि जो यूरिया की प्राइसेस हैं उनको स्टेबल रखा जाएगा, और इसकी वजह से इससे जो पर्टिकुलर शेयर्स हैं जिसमें ईफर्ट आ जाते हैं, फौजी फर्टिलाइजर वगैरह आ जाते हैं, उनकी तरफ एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि इसी में एक अनसर्टेनिटी बनी हुई थी कि रेट्स कहाँ पे फिक्स होंगे, जिसकी वजह से इनमें एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला था। गोइंग फॉरवर्ड आज की मार्केट में देखें तो आज की मार्केट अगेन एक रेंज बाउंड एक्टिविटी शो कर सकती है। रीज़न बीइंग के लॉन्ग टर्म पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है, प्लस ये पेट्रोल की रिलेटेड न्यूज़ आ गई, तो इससे एक स्लाइट पॉजिटिव मोमेंटम हम देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जैसे हमने कल देखा कि जो सेलर्स हैं वो मेनली लोकल क्लाइंट्स ही रहे, उनकी तरफ से अगेन एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। प्रॉफिट टेकिंग की तरफ ज़्यादा रुझान लग रहा है मार्केट में। थैंक यू।